विगत दिवस हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के उपरांत परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा निजी बसों को 26.92 रुपये प्रति किलोमीटर स्कीम के तहत चलाने की घोषणा के साथ साथ निजी बस संचालकों को दी जाने वाली रियायतों के खिलाफ हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन में भारी रोष देखने में आया। काफ़ी अरसे से किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जाने की योजना का विरोध कर रहे हरियाणा रोडवेज यूनियन के नेताओं ने हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया है कि यह एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जाने वाली बसें हरियाणा सरकार के लिए फ़ायदे का सौदा है, वहीं निजी बस संचालकों से पार्किंग फीस न लेना, GST न लगाना, बसों को डीजल भी डिपो से उपलब्ध कराने जैसी सुविधाएं तो दी जाएंगी, बल्कि 300 किलोमीटर तक चलाने के एग्रीमेंट के विपरीत 100 किलोमीटर ज़्यादा चलाने का ऑफर भी देना शक पैदा करता है कि रोडवेज यूनियन ने कहा कि अवश्य इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है। इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का कहना है कि हरियाणा रोडवेज यूनियन के साथ केवल 190 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत चलाने की सहमति बनी थी, लेकिन अब 510 बसों के मालिकों को ऑफर दिया जा रहा है जिनका केस कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में रोडवेज यूनियन व हरियाणा सरकार आमने सामने आ गई है। यदि सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो हरियाणा रोडवेज यूनियन न केवल सरकार के इरादों की पोल खोलने का बन बना चुकी है, बल्कि एक बड़ा संघर्ष फिर से हरियाणा में अंगड़ाई ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।